दोस्तों स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसके बायोलॉजी का सेशन चल रहा है, जिसमें ये क्या है 12th लेसन है। इससे पहले मैंने सारे कवर कर लिया है और डिफरेंट सब्जेक्ट का भी मैंने कवर किया है, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान की शाखाएँ, ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी। तो इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है आज, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। मीन्स अगर आपको त्वचा से संबंधी कोई डिजीज़ होगा तो आप किससे मिलोगे? डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलोगे। और स्टडी को क्या कहा जाता है? डर्मोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे तो। और डर्मो मीन्स क्या होता है? स्किन। अगर कहीं आपको डर्मो मिले तो समझ लेना स्किन है, और लॉजी मीन्स स्टडी। और अगर डॉक्टर होगा तो डर्मोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों मीन्स बोन, हड्डी जिसको बोलते हैं, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। देखो उसको ऑर्थोपेडिक भी कहा जाता है, ऑर्थोपेडिक, ठीक ना। तो ऐसा कोई दिया गया नहीं है। मीन्स फिजियोथेरेपी जो होता है वो भी हड्डी के ही अंतर्गत आता है। तो जो आपका ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिसमें प्रतिरोध के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेलियंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? तो अगर पेलियंटोलॉजी की बात हो तो उसमें हम क्या करते हैं? फोसियल का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म का। किसके अंतर्गत? पेलियंटोलॉजी। नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। देखो एंटोमोलॉजी को इटिमोलॉजी से कन्फ्यूज नहीं करना, वो ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन याद रखने के लिए आप एटोमोलॉजी ही समझो। तो एंटोमोलॉजी क्या होगा? एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। फिर है, तितलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तितलियों के अध्ययन को कहा जाएगा लेपिडेट्रियोलॉजी। अच्छा, अभी एक तितली पार्क बना, एक नहीं दो दो बन गया। तो पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो कहाँ बना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक 2 से 3 एग्जाम में पूछ लिया जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंसेक्ट का एक तमिलनाडु में बना है, ठीक ना, तमिलनाडु में बना है इंसेक्ट का। आप मुझे बटरफ्लाई का बताओ कहाँ बना है। हिंट दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ, मध्य प्रदेश, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। चलो इसी चारों में से कहीं बना हुआ है, बता देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो अगर मछली से रिलेटेड कोई अध्ययन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम इक्थियोलॉजी। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है ऑर्निथियोलॉजी। ऑर्निथियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो उसमें हम पढ़ते हैं पक्षी के बारे में। याद होगा सबसे बड़े ऑर्निथियोलॉजिस्ट जो थे सलीम अली थे, और सलीम अली के नाम से ही एक पक्षी अभ्यारण्य भी है सलीम अली के नाम से। तो वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक ना, याद रखिएगा। और फिर जम्मू कश्मीर में क्या है कि हेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो भी बहुत बड़ा है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है। तो वो भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मीन्स किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं? तो किसके बारे में? उत्तक के बारे में, उत्तक सेल। नेक्स्ट है घाव मीन्स वॉन्ड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घाव जो हो जाता है उसको कहा जाता है ट्रोमेटोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कैंसर से जो स्टडी होगा, कैंसर के बारे में स्टडी, उसको कहा जाएगा ऑन्कोलॉजी। देखो ये जो बायोलॉजी का प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको ये SSC के इंग्लिश में और रेलवे के इंग्लिश में हेल्प कर देगा। उसमें लिखा रहेगा स्टडी ऑफ कैंसर, तो क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी। तो वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आप उसको याद रखोगे। नेक्स्ट है मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीन्स मोलास्का जो समुदाय होता है तो उसके अंतर्गत जो जीवाणु विषाणु जो भी आता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होगा कैंसर, और मोलास्का समुदाय का अध्ययन होगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्कोलॉजी। फिर है वंशागति के नियमों का अध्ययन किसने किया था? तो ये हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, यह अनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। अच्छा, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़े हैं कि अनुवांशिकता का फादर किसे कहा जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक ना। वंशानुगत के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत? अनुवांशिकी के अंतर्गत। और अनुवांशिकी का खोज किया कौन था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारा
ना कहलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स जैसे अब नया मीन्स प्रोसेस आ गया कि जीन कटिंग टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू क्या होता है जीन को कट करके मीन्स जैसा आपको बेबी चाहिए वैसा बना दिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होगा मीन्स नस्ल को जो सुधारा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, यूथेनिक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो अभी ये जो जीन कटिंग टेक्नोलॉजी है न्यू आया है तो आपके लिए यूथेनिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट है हमारा नलिका वाहिनी ग्रंथि मीन्स डक्टलेस ग्लैंड का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी नेक्स्ट हमारा उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव जाति की उन्नति का, इसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स बार बार देखोगे नाम हो सकता है आपको हार्ड लग रहा हो लेकिन इसको अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा कि आप ऑप्शन देखते ही इसको टिक कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो अभी हम पढ़े कीट मीन्स इंसेक्ट से रिलेटेड तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी फिर मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिर आ गया मछली रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका क्या था, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी फिर जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉर्फोलॉजी, क्या होता है आउटर सरफेस जो होता है मीन्स बाह्य आकृति उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फिर है जंतु विज्ञान एक, अच्छा इससे प्रश्न और आएगा आपको कि किसी भी जंतु का संरचना जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो होता है मॉर्फोलॉजी पे, बाह्य आकृति पे, ये भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये अभी भी हम पढ़े हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा जंतु अपने आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, परिस्थितिकी। परिस्थितिकी साइटोलॉजी। नेक्स्ट है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी मांसपेशी के अध्ययन को, मसल्स के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है डेमो। डेमोग्राफी, डेमो मीन्स भीड़ होता है, ठीक है ना। जैसे एक ऐसे समझो कि मान लो कहीं पे किसी कोई एक इंस्टीट्यूट चल रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, सर क्लास करते हैं, डेमो क्लास देते हैं, तो उसमें कौन जाता है डेमो में, जिसको भीड़ से लगाव होता है, भीड़ देखने के लिए जाते हैं। मैंने जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो डेमो देखने नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो वो जाते हैं जिसको भीड़ से लगाव होता है। तो इसीलिए भीड़ से डेमो, आपको आ जाएगा प्रश्न कि डेमोमानिया एक वर्ड है, डेमोमानिया, डेमोफोबिया होता है मीन जिसको भीड़ से डर होगा उसे हम क्या कहते हैं, डेमोफोबिया। जिसको भीड़ से लगाव होगा उसे डेमोमानिया कहेंगे। उसी तरह से अगर भीड़ के बारे में अध्ययन करेगा, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंध वैज्ञानिक कहलाता है, मीन्स जिसमें हम उत्तक के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी। अभी हम पढ़े तो कुछ देर पहले इसको, हिस्टोलॉजी। फिर है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी में क्या होता है, सीने का अध्ययन, सीने का। वैसे इसमें क्या होता है, न्यूरोसर्जन जो होता होगा वो क्या करता होगा, सर्जन तो ऑपरेशन ही करेगा, मीन्स नस के बारे में अगर कोई कुछ हो गया है, नस दब गया है, तो आदमी कहाँ मिलता है, न्यूरोलॉजी से मिलता है, ठीक ना। तो इसमें सीना तो नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र होता, ठीक ना, या नर्वस सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, याद रखिएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है जेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जेंटोलॉजी में होता है जो अधिक एजेड है, ठीक ना, सीनियर सिटीजन, वृद्ध लोगों के बारे में, वृद्ध, जेंटोलॉजी। नेक्स्ट है पेडियाट्रिस्ट निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो पेडियाट्रिस्ट होता है शिशु रोग। शिशु रोग पेडो मीन्स होता है ये बच्चा, शिशु रोग। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित, तो वो होता है अनुवांशिकी के लिए, अनुवांशिकी के लिए। फिर है ऑनकोलॉजी, अभी हम पढ़े थे ऑनकोलॉजी होता है कैंसर के लिए, ऑनकोलॉजी कैंसर के लिए।
नेक्स्ट है जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है, मीन्स जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। उसमें क्या होता है अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र के बारे में, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किसमें करते हैं हम, जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है अनुवांशिकता किससे संबंधित है, तो अनुवांशिकता से, अनुवांशिकी किससे रिलेटेड है, अनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे डेमोग्राफी, अभी पढ़े हैं डेमोग्राफी। रक्त, अच्छा यहाँ से एक अगर ड्रोमो हो जाए, ड्रोमो, ड्रोमो मतलब होता है स्किन, ठीक ना, ड्रोमोग्राफी या ड्रोमोलॉजी हो जाए तब हो जाएगा वो स्किन से रिलेटेड, लेकिन डेमो हो जाए तो भीड़ से, जनसंख्या से, तो ड्रेमो और डेमो में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत मीन्स अगर इंग्लिश में लिख दिया जाए तो काफ़ी कम आपको डिफरेंस पता चल पाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा। फिर रक्त में एंटीबॉडी मीन्स एंटीबॉडी एवं एंटीजेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसके अध्ययन को क्या हम कहते हैं सीरोलॉजी, सीरोलॉजी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो वह है शरीर संरचना और वातावरण से, शरीर संरचना और वातावरण से। तो ये था इस लेसन का एंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।